इधर मध्य प्रदेश के शहडोल से खबर है, जहां कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय में मरम्मत के नाम पर लाखों रुपयों की लिपापोती की जा रही है। केवल कुछ जगह वाटरप्रूफिंग पेंट लगाकर सालों पुरानी छत को ठीक करने के नाम पर लिपापोती की जा रही है, जिससे अधिकांश जगह अस्पताल भवन में अभी भी पानी का रिसाव हो रहा है। पिछले दिनों हुए बारिश से अस्पताल के दो कमरों का प्लास्टर भी टूट गया है, लेकिन गनीमत ये रही कि उस समय वहां पर कोई मौजूद नहीं था। वार्डों की मरम्मत के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। अस्पताल भवन के सामने पुरानी जर्जर दीवार को बिना मरम्मत किए ही उसमें एसीपी लगाकर ढाका जा रहा है और खनिज मद की राशि का पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, एसीपी के काम भी लगभग 10 से 15 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। दरअसल जर्जर और जिला चिकित्सालय की छत की मरम्मत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से 38 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे। वहीं वार्डों की मरम्मत और रेनोवेशन के लिए खनिज मद से लगभग 58 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे। टेंडर जारी कर दिया गया लेकिन कार्य शुरू करवा गया, लेकिन 5 महीने बाद भी काम अभी भी अधूरा पड़ा है। और अब आप देखिए, छत मरम्मत के नाम पर पूरी तरह किस तरह लिपापोती की जा रही है। शहडोल की ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है। चिकित्सालय का जो भी निर्माण कार्य चल रहा है वो अभी आधा अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है। जो एजेंसी है वो 3 महीने से अभी नहीं आई है किसी कारणों से। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के इंजीनियरों के ठेके के माध्यम से भोपाल स्तर से वो काम कराया जा रहा है उनके इंजीनियरों की देखरेख में। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत छत मरम्मत का कार्य चल रहा है और एक जिला खनिज मत से जिला अस्पताल के अंदर का मेंटेनेंस चल रहा है, जिसमें जिला अस्पताल के तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंदर पूरी छत मरम्मत का कार्य कराया जाना है और जो जिला खनिज मत से कार्य प्रस्तावित है उसमें अंदर का डेंटिंग पेंटिंग दरवाजे टॉयलेट की मरम्मत का कार्य है, पुराना जो प्लास्टर खराब हो गया उस प्लास्टर की मरम्मत का कार्य कराया जाना है। जो सीलिंग गिरने की बात आ रही है वो काफ़ी पुरानी थी और उस समय भी कार्य स्टार्ट नहीं हुआ है, उसमें कार्य कराया जाना है।